आज हम इंडिया आर्ट फेयर में मौजूद हैं और ये 10वां आर्ट फेयर है। अभी तक जितने भी आर्ट फेयर हुए हैं हर बार डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट और बहुत सीनियर इंडिया के और लीडिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे आते रहे हैं और आज हमारी मुलाकात होने वाली है इंडिया के जाने माने आर्टिस्ट लोगों से जब हम लोग गैलरी के अंदर जाएंगे। अभी हमारी और जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेंट हैं तकरीबन 400 आर्टिस्ट टोटल यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं जिसमें 30 कंट्रीज़ के लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत इंटरेस्टिंग शो होगा। हम आपको अब आर्ट गैलरी ले चलते हैं। इंटर एग्जीबिशन जो हम लोग ने लास्ट ईयर प्लानिंग किए थे उनकी ये आप सो बोल सकते हैं उनके इफेक्ट हैं क्योंकि हम लोग का प्लानिंग था लास्ट ईयर के तो आई थॉट कि दीदी व्हाई नॉट हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि कंटेम्प्रेरी जो काम चल रहा है जो ट्रेंड है उस पर बहुत सारे लोग यंग और मेरे एज ग्रुप के और मेरे सीनियर्स जहाँ से अपना रूट है इंडियन आर्टिस्ट की तो बहुत लोग बहुत सारे मीडिया देखने मीडियम के साथ काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटिंग भी कर रहे हैं तो आई थॉट मैं 15 सालों से सेम मीडियम पे काम करते जा रहा हूँ वाटर कलर ऑन कैनवस जो चीज़ बहुत कम लोग इस जनरेशन में कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसे बहुत टाइम टेकिंग मीडियम है और पेशेंस लिए काम करना पड़ता है। फ्रॉम बार्सिलोना। यू आर द क्यूरेटर और द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द गैलरी I work the gallery since 25 years in Barcelona, okay. But purely I have been in the gallery, in the family gallery, who has opened in 1902 in Barcelona, and there was the family was longing until that we have a problem. I get alone my own gallery. How many artists participate in your gallery? In Indian Art Fair, there are 7 artists. And then there were Picasso, Miró, Vilató, Gaston Leroux, Dalí, Calder and Miguel Racero. अभी हमारी मुलाकात एक बार्सिलोना के क्यूरेटर से हुई है। वो पिछले 1970 से इंडिया आ रहे हैं, आर्ट में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट बने हैं और इस शो में लगातार वो 10 सालों से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर और हमारे सामने उनकी एक पेंटिंग सेल भी हुई थी, यानी कि सेलिंग रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग शो चल रहा है। आगे चलेंगे और इंडियन और फॉरन आर्टिस्ट से मिलेंगे। आई वॉज स्टार्टिंग स्कल्पचर वर्क इज 40 ईयर्स बिफोर लॉन्ग टाइम and okay. But always I use stone. Okay. And this time I stay in Baroda. मेरे साथ चरणजीत सिंह जी हैं, बहुत यंग आर्टिस्ट हैं। मैं इसे जानना चाहता हूँ, मुझे एकदम जो इनका कंपोजिशन मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ इन्होंने मिनिएचर फॉर्मेट और बल्कि मुगल आर्ट इनकॉर्पोरेट किया है, तो ये इसके बारे में मुझे कुछ जानना है। देखिए ये खासकर क्या है कि मैंने दो कल्चर को मिक्स किया है एंड जो हमारा जो ओल्ड कल्चर है वो हम अपने पास रखना चाहते हैं। इवन मुगल जो कल्चर है मिनिएचर है वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे हमेशा और जितना भी मॉडर्न आर्किटेक्चर हमारे हो जाए लेकिन हमारे जो ओल्ड आर्किटेक्चर हैं उनका जो सपोर्ट मिलता है हमारे इंडियन कल्चर में वो बहुत इम्पैक्ट हमारे एकता शिंगो 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 ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ जो आपका जो फॉर्मेशन ऑफ जो पेंटिंग है, एक तो डिस्प्ले बड़ा डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, आपने कपड़े पे बनाया है? ये लिलन क्लॉथ है, लिलन क्लॉथ के ऊपर नेपाली हैंडमेड पेपर यूज किया है मैंने, तो उसके ऊपर फिर पिगमेंट कलर गोश कलर और डस्ट कलर्स ऑन लाइक गोल्ड डस्ट यूज करके काम है। आई एम द क्यूरेटर डायरेक्टर ऑफ आर्ट सेंट्रिक स्पेस मोनिका जैन एंड आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस बूथ फॉर 1 ईयर स्टार्टेड थॉट ऑफ डूइंग अ गैलरी एंड although I work with senior and mid-career artists but I thought we need to put up some refreshing talent at the India Art Fair because people from all walks of life come here and they would like to see something refreshing and something affordable so we're not looking at trying to get our money's worth out of the booth because you know all galleries do spend a lot doing that but I think it's more important for people to say that okay here is art and here is something that I can maybe buy think of buying ye paper carving hai तो इसको मैं पहले तो एक पेपर को पेस्ट करता हूँ फिर कार्व करता हूँ कि टेम्पल मेकिंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके मेरा आर्ट वर्क जो स्टार्ट किया मेरा खुद का टेम्पल है ये
तो ये जो पेंटिंग है ये हमारी आसपास की जो दुनिया है वहाँ से ही मैंने ये सारे फॉर्म्स है और ये जो सारे ऑब्जेक्ट है वो मैंने वहाँ से लिए है, मगर उसको मैंने सिर्फ जो जैसे दिखते हैं वैसे ना रखते हुए उसको मैंने मेटाफर में ट्रांसफ़र किया है। इतनी मल्टीपल इमेजेस आपने के माइंड में कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे आप चांदनी चौक में जाओ, ठीक है ना, तो हम बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे विजुअल्स, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बॉम्बार्डिंग होता है हमारे पर, तो उसी को मैंने ट्रांसफ़र करने का ट्राई किया है ये काम में। जी क्या बताएंगे, हमारी पेंटिंग ही सब कुछ बताती है और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मेरी पेंटिंग ही सब कुछ बोले, मुझे ना बोलने का मौका ज़रूरत पड़े। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन लगा कि जो लॉयन है, वो जो शेर है, वो एक कुछ बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं अदर, तो ये कंसेप्ट कैसे आपने क्रिएट? नहीं, वो तो आइडियाज़ तो हम समाज से ही लेते हैं, बाकी देखेंगे तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन हमारी पेंटिंग में एक जगह बैठे हैं, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है लेकिन वो चल भी रहा है। आज हमारे साथ बहुत इंडिया के जाने माने आर्टिस्ट पारेश मेहती जी मेरे साथ हैं और इनका जो आर्टवर्क है बहुत फेमस है, लोग आर्टवर्क देख के पहचान जाते हैं, मतलब बाईलाइन की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं, इनसे ही जानना चाहूँगा कि जो जिस आर्टवर्क के सामने हम खड़े हैं उसके बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं। ये जो आर्टवर्क है ये नया एक्सपेरिमेंट मैं चालू किया, लास्ट ईयर मैं चालू किया था, दो बड़ा बड़ा पेंटिंग किया, एक तो था गांधी जी का सत्याग्रह का ऊपर और एक ऑन्टेगोर एंड शांति निकेतन। सो दैट वाज वन पेंटिंग हैज गॉन टू ए म्यूजियम एंड देन अदर पेंटिंग इज इन एग्जीबिशन एट दिस मोमेंट कलकत्ता में। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये हाउ रविंद्रनाथ टैगोर कैसे किस तरीका का चित्रकार था, यू नो, ही वाज अ वेरी गुड, नॉट ओनली वेरी गुड, ही वाज equally master painter. He could have been the biggest painter if he was continued the art. तो उनका जीवन को लेके ये पेंटिंग मैंने बनाया है एंड उसमें इनका कुछ पेंटिंग, कुछ इमेजेस एंड हिज फिलोसॉफी वो मैंने कैप्चर किया है। नहीं, ये गॉडेस नहीं है, बट ए गॉडेस बॉन्ड बन गया है, बिकॉज यू नो दिस इज इरावती, दिस इज माय ओन थॉट्स बिहाइंड द क्रोकोडाइल एंड द एलिफेंट एंड आई टुक द लिबर्टी टू मेक पेंटिंग एंड टेक अ मेक अ न्यू फॉर्म विद द एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल एंड विद द वुमेन। ऑफ कोर्स आई हैव सीन मदर गैंजेस सिटिंग ऑन द क्रोकोडाइल, सो इट हैज कम स्पॉन्टेनियसली, बट शी इज नॉट मदर गैंजेस, she is Iravati. Paper sculpture, not only paper sculpture, because of I choose paper because of this is very lightweight. And my concept is migration. Migration? Yeah, my ancestor came from Bangladesh at partition time. And I believe this is a mind power is a very strong rather than physical power. And that's why I choose this material. Why women only? I am also women. No, that's fine. This is not a that kind. Some specific reason? No. Not at all. What about this? Your composition watercolor? This is a banyan tree and some. Every time I am choosing the this image, this is actually moving image. Okay. That's why cycle by cycle and outside is one painting is a tent. जो बेसिकली यही डिफरेंस नज़र आ रहा है कि मैं इस समय देख रही हूँ जैसे पेंटिंग्स का जो रेगुलर पेंटिंग है, चाहे वो एक्रेलिक में है या ऑयल्स में है, उसके अलावा डिफरेंट मीडियम्स को ज़्यादा यूज़ किया है, मतलब है ना। लेकिन ठीक है, मैं अपनी अपनी चॉइस है, नया भी ट्राई करना चाहिए, पर मुझे लगता है उसकी अपनी एक परम्परा है, एक बात है। Yes, sir. Thank you.
बहुत इंटरेस्टिंग एक इंस्टॉलेशन मेरे सामने है, हम इसको देखेंगे। ये सारा इंस्टॉलेशन वुड से बना है, हर घर की यूटेंसिल्स और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वहाँ टेलीफोन, आपका पुराना रिकॉर्डर, ये पुराना स्टोव, टाइपराइटर्स, ये बहुत सब वुड से उन्होंने कार्व किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रियलिस्टिक है और जिस तरह का होना चाहिए वो एकदम उसको उन्होंने कॉपी किया है। स्पेशली पुराने ज़माने का टीवी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, उस फॉर्मेट में उन्होंने उसके वो सारे डिटेल इस आर्टिस्ट ने निकाली है। आर्टिस्ट और ये लॉक आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके सामने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है। आई एम अंजुम एंड आई एम एन आर्टिस्ट एंड विजिटर, मैं अभी यहाँ पे देखने आई हूँ। मैं कल भी ओपनिंग में आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काम बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव है। मुझे लग रहा है अगर मैं लास्ट टाइम से अभी कंपैरिजन करूँ तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है। आज हमारे साथ मैकेनिकल इंजीनियर अमित जी हैं। ये आर्टिस्ट बने इंजीनियरिंग करने के बाद और ये बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा ये इस एग्जीबिशन में आए हैं, इनको कौन से आर्ट पर बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। नमस्कार, यहाँ तो सारे ही देख रहा हूँ मैं, काफ़ी कंटेम्प्रेरी वर्क्स हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज प्रेजेंटेशन है और द काइंड ऑफ वर्क्स जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ एन आई ओपनर आई वुड से। एक सिंपल बात है कि इंसान सबको होल्ड करना चाहता है ना अपनी ताकत से, हर चीज़ उसके विश से होना चाहिए, तो उसकी जो मसल पावर है, उसकी जो सबको काबू करने की जो इच्छा होती है उसके, वो हर चीज़ पे नहीं होती। तो मतलब वो कंक्रीट है, स्ट्रांग है, मेटल है, इंजीनियरिंग है, ब्रेन है, लॉजिक है, वो वक्त को भी रोकना चाहेगा तो रुकेगा, तो वो जो अगर हाथ पकड़ोगे तो वो उल्टा घूमेगा। दैट्स व्हाट बेसिक आइडिया, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इलस्ट्रेशन, इट इज़ अबाउट ये जो मैं काफ़ी टाइम वक्त के ऊपर काम किया है, टाइम के ऊपर, तो वो जो कंसेप्ट मुझे ऑलवेज भाती है कि हमने समय बनाया, वो कैलकुलेशन करके एक मून के साथ में उसके डिवीजन करके मैथमेटिक्स से, जो हमारे लिए सुयोग्य है इसलिए हम उसको मिनट कहते हैं, घंटा कहते हैं या महीना कहते हैं। तो नॉर्मली आप इसी तरह की कंपोजिशन बनाते हैं या ये फर्स्ट टाइम आपने ऐसे क्रिएट किया है? मैंने काफ़ी टाइम काम वक्त के साथ किया है, टाइम कंसेप्ट लेके काफ़ी काम किया है उसमें से। Since 25 years, okay. But from the very first beginning, I started to work internationally. Okay. So my aim is to bring my arts, in which I believe most, to all the world. Okay. So this is first time you are participating? It's my second time in Delhi. Okay. So how do you like the art fair like? I love India, I love Delhi, okay. And I have to say the art fair here is really very well done. It was the same last year. I was really surprised. The organizers did a very good job. I was very deeply impressed. And this year, the quality of my colleagues of the art, which is exhibited, raised up. How many artists you have selected for this your gallery here? Because traveling and transport is quite expensive, okay. I have a more or less small booth. So I'm presenting four different artists. Two very famous ones and two artists I like to promote over the next years. ये artwork, ये art show है, ये BMW ने sponsor किया है basically. तो उन्होंने अपने लिए भी एक गाड़ी को design किया है, BMW की गाड़ी को repaint किया गया है, multiple colors में paint किया गया है. तो बड़ा interesting composition है ये, क्योंकि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट को पब्लिकली दिखाना चाहे, एक आर्टवर्क बनाना चाहे। हम लोग का वही रहा है कि वो बिग द ओल्डेस्ट गैलरी इन द कंट्री, मतलब इस साल 80 साल हो गए। अच्छा। तो और मैंने तो बहुत देर में जब शादी के बाद ही सब कुछ आर्ट का देखा और सीखा, तो ये सब लोग स्वामीनाथन, सूजा, गाड़े, हुसैन साहब, ये इन सब के साथ एक राइट फ्रॉम माई फादर इन लॉस टाइम, बाबूजी के टाइम से, फिर रवि जी के टाइम से, सो वन हैज सीन ऑल दिस आर्ट इवॉल्विंग फ्रॉम वेरियस स्टेजेस। तो आई एम रियली सॉर्ट ऑफ वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई बिलोंग टू अ फैमिली
which has nurtured art and artists for the last 40, 50, 80 years. And of course, I have known, I have was a lawyer all my life. So I didn't know a thing about art till I married Ravichi. And all that I have learned is... So you met all the artists like Hussain Saab, Suza Saab and others? Yes, yes. I mean, it's... and my children have grown interacting with all these. I remember Swami Nathanji being at the gallery and Manubhai and Suza and everybody. We represent Nepal Art Council. Nepal Art Council is unlike the galleries, most galleries represented here. We are an art organization, semi-government. Is it? Semi-government. Semi-government, a public-private owned partnership that works for the promotion of Nepali art. So we do not, like other commercial galleries, we are a non-profit organization. So we do not represent the same artists every year. Every year we bring a different set of artists because we believe that Nepali artists need to, you know, reach out, and we provide this platform through India Art Fair, which is a global platform. So how you are feeling the difference between Indian art and Nepali art? In the mindset, you know, we all belong to one subcontinent before. So the thinking process could be a little similar, but then there is a lot of difference because I think our artists, they work more on concepts, they are very conceptual based, and because of the various socio-political changes that we have, art is being used as a platform for such kinds of dialogues to represent the socio-political changes. So you have selected changes. Seven artists here? Yes, this year. So it must be a lot of artists approach you yes, to display definitely. Here? Definitely. मेरे साथ हैं वेल नोन फोटोग्राफर शोभा जी और जिन्होंने इस रागनी आर्ट गैलरी में अपना फोटोग्राफ डिस्प्ले किए हैं और इसका जो थीम है वो बड़ा अनयूजल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिलीजियस थीम है, ट्रेडिशनल थीम है, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा इनकी थीम के बारे में और इनकी क्रिएटिविटी के बारे में. थैंक यू वेरी मच. ये जो मैं फोटोग्राफ्स ली हैं वो दुर्गा आइडल बनाने वाले के जगह कुमार तुल्ली कैलकटा में ली है मैंने. इन्होंने बनाया, वो उस वक्त सिर्फ बना के हाफ तैयार हुआ था और पेंट डाल रहे थे तो सिर्फ रेड एंड येलो पेंट डाल के वो लंच करने गए मजदूर. तो मैं चुपचाप से आके सारे फोटोग्राफ्स लिए, बहुत ड्रामेटिक फोटोग्राफ्स मिले क्योंकि द रेड और येलो जो आप देख सकते हैं इसमें उसका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट आया है. जाने माने आर्ट क्रिटिक, आर्ट राइटर, जर्नलिस्ट सुनील चोपड़ा जी मौजूद हैं, तो वो आर्ट एग्जीबिशन अभी घूमा है उन्होंने आर्ट फेयर, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा उनको कैसा लगा और उनके क्या इसके व्यूज़ हैं इसके बारे में. ये हमारी कला का बहुत अच्छा प्रतिबिंब है कि किस तरह से हमारी जो कला है वो हजारों साल से बढ़ती आई है और आज भी उसके दुनिया के साथ जो संबंध हैं वो वही हैं जो कि पहले थे. और हमारी जो कला है वो वेरिड भी है, मॉडर्न भी है, और उसमें जो एक संस्कृति की गहराई है वो भी है. और हमारी कला बिल्कुल खिलाफ है संकीर्णता की, और वही मुझे सबसे अच्छा लगा है कि यहाँ कुछ भी संकीर्ण नहीं है और हर कुछ है यहाँ, हर एक के मन की बात.